इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सेल के अंदर जो मौजूद डेटा होता है, जिसको हम कंटेंट कहते हैं, उससे एक जगह से दूसरी जगह कॉपी और पेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो उसका सबसे पहले तो एक सिंपल मेथड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि लेट सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 58। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, या यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक कॉपी करने का और एक कट करने का। कॉपी अगर करेंगे तो यहाँ से अगर मैंने कॉपी पे क्लिक किया और मैं इसको कहीं पे भी जाके पेस्ट कर दूंगा तो ये वैल्यू वहाँ से यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। या अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी हुई 37, इसको आप यहाँ से कट करते हैं और कट करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देते हैं तो वहाँ से वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसे कट कहा जाता है और इसे कॉपी कहा जाता है। अब हम थोड़े से इसके एडवांस फीचर्स जानते हैं। ये जो हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या कट कर सकते हैं। कॉपी के लिए आपने कमांड याद रखनी है कंट्रोल वी, इसी तरह का जो कट है उसके लिए भी जो हमारे पास कमांड है वो है कंट्रोल एक्स, और उसके बाद जब आपने इसको पेस्ट करना होता है उसके लिए भी आप कीबोर्ड से कंट्रोल वी टाइप कर सकते हैं। और वैसे आपके पास यहाँ पे माउस का ऑप्शन होता है, जिससे माउस पॉइंटर से आप कट एंड कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन तक जा सकते हैं। अब हम थोड़े से एडवांस फीचर्स की तरफ चलते हैं। अब लेट सपोज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टेबल में ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं और ये जो इसका लास्ट कॉलम है, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है जो कि इन तीन सेल्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तीनों सेल्स की वैल्यूज़ को प्लस कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ये जो फार्मूला है, ये तमाम इस कॉलम के जो सेल्स हैं यहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा कॉलम है, ये पूरा कंप्लीट कॉलम है, इस कंप्लीट कॉलम को मैं यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ एक इसी शीट के अंदर एक दूसरी जगह पे, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और उसके ऊपर कॉपी पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब लेट सपोज मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शंस हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन होता है वो आज हमने सीखना है, उसे कहते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि जब आपने ये सेल सेलेक्ट कर लिए, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पेस्ट का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा पेस्ट स्पेशल का। यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा तो पूरा इसका एक विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो के जो ऑप्शंस हैं वो वैसे यहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पेस्ट स्पेशल पे। अब अगर यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि अगर क्या आप पूरा कॉलम पेस्ट करना चाहते हैं, नंबर वन, नंबर टू, या आप उस कॉलम में मौजूद जो वैल्यूज़ हैं उन्हें पेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि वहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हुआ है उसे पेस्ट करना चाहते हैं, उसे कॉपी करना चाहते हैं, या आप सिर्फ वैल्यूज़ कॉपी करना चाहते हैं और फार्मूला कॉपी नहीं करना चाहते, या आप उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग की गई है उसे कॉपी करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेटिंग फॉर्मेट्स पर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि हम उस स्पेसिफिक कॉलम का क्या चीज़ कॉपी करना चाहते हैं। अगर हम उस कॉलम से रिलेटेड हर चीज़ कॉपी करना चाहते हैं तो हम ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा इस कॉलम की जो मेन थीम है वो आप बरकरार रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। कॉलम की विड्थ आप बरकरार रखना चाहते हैं, फार्मूलाज आप वही रखना चाहते हैं, वैल्यूज़ वही रखना चाहते हैं, तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास हैं, इनको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो पूरा कॉलम है ये यहाँ से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने इसको ओके पे क्लिक किया तो तमाम वैल्यूज़ भी कॉपी हो गई और फार्मूला भी कॉपी हो गया, इसकी फॉर्मेटिंग भी वही रही, कॉलम की विड्थ भी जो है वो कॉपी हुई, वो हमने सेलेक्ट नहीं की थी इसी वजह से कॉलम की विड्थ कॉपी नहीं हुई। तो ये इस तरह से पेस्ट किया जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर शॉर्टकट ऑप्शन भी मौजूद हैं। अब जैसे कि लेट सपोज मैं इसको यहाँ से फिर से कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पर जो ऑप्शंस है हमारे पास ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ इसकी कॉपी हो जाएंगे। लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपल फार्मूला कॉपी होगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा था इस वाले सेल में वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, यानी तीनों सेल्स यहाँ पर भी प्लस हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पर तीन सेल्स अप्लाई प्लस हो रहे थे। और इस तरह से आपके पास, अब मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ
और ये आपके पास और ऑप्शंस हैं कि आप फार्मूला भी कॉपी करना चाहते हैं और उनकी जो फॉर्मेटिंग है यानी उसके अंदर जो आपने सेटिंग्स अप्लाई की हैं फॉन्ट की अलाइनमेंट की वो भी आप बरकरार रखना चाहते हैं, इसी तरह आपके पास ये तमाम ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो कुछ एडवांस चीज़ें हैं, वो ये हैं कि लेट सपोज़ कि मैं इस कॉलम को कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज़ ये मार्च का एक कॉलम है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं एक और शीट क्रिएट करूँगा, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक और शीट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जाके अगर मैं इसको पेस्ट करूँ और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है पेस्ट लिंक का, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे पेस्ट हो गया है, यहाँ पे कॉपी हो गया, लेकिन ये कॉलम पिछली शीट के साथ लिंक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, लेट सपोज़ अगर यहाँ पे आप एक वैल्यू चेंज करते हैं 70 की जगह अगर मैं यहाँ पे 67 कर देता हूँ, तो हमारी जो दूसरी जो जहाँ पे दूसरी शीट पे हमने एक कॉलम पेस्ट किया था वहाँ पे भी 70 ख़त्म होकर 67 आ गया, यानी आपने एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ लिंक कर दिया, जो कुछ तब्दीली आप यहाँ पर लाएँगे वही तब्दीली वहाँ पर भी वाक़ होगी। तो ये कुछ पेस्ट के ऑप्शंस थे जो कि हमने इस वीडियो में सीखे हैं कि किस तरह से सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट किया जाता है और उसमें हमारे पास जो पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस हैं उन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है।